कोई परेशानी नहीं होगी। मिसलेनियस डायरेक्टिव, अब मिसलेनियस डायरेक्टिव भी देख ले, दो आपके और भी प्रोसेसर आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपके पास है, एक अनडेफ है, एक प्रैग्मा है। तो जो अनडेफ डायरेक्टिव होता है, हम कई ऐसे ओकेजन हमारे पास आते हैं, हम कोशिश यहां पर करते हैं, ये अनडेफ मतलब होता है अनडिफाइंड। हम कई ऐसे ओकेजन आते हैं तो हम चाहते हैं कि एक डिफाइंड नेम को हम अनडिफाइन कर दें, तो उसके लिए हम अनडेफ डायरेक्टिव यूज करेंगे। मान लीजिए कोई मैक्रो है, उसको हम अनडिफाइन करना चाहते हैं, उसको हम कैसे करेंगे? अनडिफाइंड डायरेक्टिव से। कोई चीज डिफाइंड है, उसको अनडिफाइन करने के लिए, जैसे हमने कोई डिफाइन कर रखा है, तो मान लीजिए टेम्पलेट मैक्रो का कोई मैक्रो है, ये उसको अनडेफ करने के लिए हम अनडेफ मैक्रो टेम्पलेट कर देंगे। तो अगर हम यहां पर करेंगे हैश अनडेफ पेंटियम, तो इससे हुआ क्या, जो डेफिनेशन होगी पेंटियम की वो उस सिस्टम से रिमूव हो जाएगी। उसके बाद जो इफ डेफ पेंटियम स्टेटमेंट जो भी उसके होंगे, वो आपके जो भी कभी भी आप इफ डेफ आप यूज करेंगे पेंटियम, तो हमेशा फॉल्स आएगा, क्योंकि ये आपने अनडेफ करके हटा दिया। बहुत कम इसका रिक्वायरमेंट होती है, बहुत कम इसको यूज करते हैं हम। एक प्रैग्मा डायरेक्टिव है, ये प्रैग्मा डायरेक्टिव क्या करता है, एक और स्पेशल पर्पज डायरेक्टिव है, ताकि आप ऑन और ऑफ कर सके किसको, कुछ फीचर्स है हमारे पास उनको। हर ये प्रैग्मा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा कंपाइलर डिपेंडेंट होता है। बहुत सारे प्रैग्मास हमको जो माइक्रोसॉफ्ट सी कंपाइलर में मिलते हैं, वो जो फॉर्मेटिंग है ना सोर्स लिस्टिंग की, उससे डील करते हैं, या किसी जगह कमेंट डालना ऑब्जेक्ट फाइल में, जो कंपाइलर निकल के आ रहा है उसकी जगह हमको कुछ ऑब्जेक्ट फाइल में कमेंट डालना है। जो टर्बो सी सी प्लस प्लस कंपाइलर की बात अगर करें, तो इसमें प्रैग्मा है जो वार्निंग सप्रेस करने में काम आता है, कि कोई वार्निंग आए तो उसको सप्रेस कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए। इसको मैं बताता हूं इस तरीके से, जैसे आपने कहा प्रैग्मा स्टार्टअप या कहा प्रैग्मा एग्जिट, ये जो डायरेक्टिव है वो उन फंक्शन को बनाने में हमारी मदद करते हैं दैट आर कॉल्ड अपॉन प्रोग्राम स्टार्टअप। अगर कुछ ऐसे डायरेक्टिव्स है, कोई ऐसे फंक्शन है जो प्रोग्राम स्टार्टअप पे आते हैं, उसके लिए प्रैग्मा स्टार्टअप। कुछ ऐसे है जो प्रोग्राम के एग्जिट पे, जो प्रोग्राम टर्मिनेट होने के जस्ट पहले काम करेंगे, उसके लिए हम प्रैग्मा एग्जिट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा void फंक्शन, void फंक्शन दो हमारे पास फंक्शन है, ये प्रैग्मा है स्टार्टअप फन वन, प्रैग्मा है एग्जिट फन टू। जैसे आप यहां पर एंटर करेंगे ये फन वन चल जाएगा, जब एग्जिट करेंगे तो फन टू चल जाएगा। तो ये फन वन यानी कि आप सबसे पहले आप स्टार्टअप में फन वन चलेगा इनसाइड एफ वन, फिर इनसाइड मेन ये एन है, उसके बाद उसकी ये फन टू चलेगा। तो ये फन वन मेन और फन टू इस तरीके से चलेगा। ध्यान रखिएगा ये फन वन और फन टू ये ना तो वैल्यू रिसीव कर रहे हैं ना वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि दो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए स्टार्टअप पे, तो आपको दोनों करने पड़ेंगे डिफाइन प्रैग्मा के साथ, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आपको उसको कॉल करना है। प्रैग्मा वॉर्न ये कंपाइलर को बताता है, ये डायरेक्टिव है कि हम किसी वार्निंग को दबाना चाहते हैं, सप्रेस करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। इसका एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आपने कहा प्रैग्मा वॉर्न, ये हाइफन है आरवीएन रिटर्न वैल्यू, ये है आपका पैरामीटर नॉट यूज, ये है अनरीचेबल कोड। जब भी प्रोग्राम चलेगा हम ये चाहते हैं कि ये जो चीजें हैं इसको हम सप्रेस करना चाहते हैं, अगर कोई ऐसी वार्निंग आने वाली है हम उसको सप्रेस करना चाहते हैं। जैसे यहां पर है इक्वल टू फाइव, ये आपका दूसरा फंक्शन है या तीसरा फंक्शन है, चौथा फंक्शन है। अब इसमें देखिए रिटर्न वैल्यू की भी बात हो रही है, रिटर्न वैल्यू की भी बात हो रही है, और पैरामीटर ऐसे कई पैरामीटर है जो हम इसमें यूज नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा कोड है जो अनरीचेबल हो जाएगा, जो कभी पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। मान लीजिए आप यहां पर कर रहे हैं रिटर्न एक्स, तो इस कोड पे आप इस लाइन पे जाएंगे कभी, कभी भी नहीं आएंगे इस लाइन पे, कभी नहीं आ सकती, अनरीचेबल कोड है, राइट। और इस तरीके से अगर हम देखें कि हम ये F2 में हम ये पास तो कर रहे हैं, हम कई चीजें ऐसे देख रहे हैं कि रिटर्न वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए, रिटर्न वैल्यू नहीं आ रही है, क्योंकि जब इसमें ये रिटर्न हम एक्स ले रहे हैं और रिटर्न कहीं यूज नहीं कर रहे हैं, तब कैसा, ओके। तो अगर इस तरीके से प्रोग्राम में हम जाएंगे तो देखिए कि हमने F1 रिटर्न ही नहीं कर रहा है, F1 डजंट रिटर्न अ वैल्यू, F1 इज नॉट रिटर्निंग वैल्यू, दो ये रिटर्न इसका इंट दिया हुआ है, यहाँ कोई ये इंटीजर इसका रिटर्न टाइप है। दूसरे में आप देखिए कि जो पैरामीटर x है जो हमने F2 में पास किया, उसको हमने F2 में यूज ही नहीं किया, F2 में जो पैरामीटर x पास किया वो कहाँ यूज किया हमने यूज ही नहीं किया। तीसरे में देखिए जो x++ है वो कभी पहुंचेगा नहीं, क्योंकि वो रिटर्न के नीचे दिया हुआ है, कभी आप जाएंगे नहीं उसमें। तो इन सब चीजों में इस जगह पे हम कंपाइलर आपको जरूर वार्निंग देने वाला है, लेकिन इसके पहले कि हमने प्रैग्मा दे दिया, हमने क्या किया कि उस प्रैग्मा के कारण वो सारी की सारी वार्निंग सप्रेस हो जाएगी। अगर इस नेगेटिव साइन को हम प्लस कर देते हैं, ये वाला वैसे नेगेटिव नहीं है, ये डैश साइन है, अगर इस डैश को, इस वाले को, इस नेगेटिव को हम अगर पॉजिटिव कर देते यहां पर,
इसको हम पॉजिटिव कर देते हैं तो क्या होगा, ये वार्निंग आती, लेकिन करने का फायदा क्या है, क्योंकि अपने आप वार्निंग तो आ रही है, और ये भी बैड आइडिया है कि आप वार्निंग को सप्रेस कर दें, क्योंकि वार्निंग को सप्रेस करेंगे अगर प्रोग्राम की एरर आपको नहीं पता चल रही है, उसको ठीक नहीं कर रहे, तो आपका प्रोग्राम कहीं ना कहीं जाके आगे आपको दिक्कत करेगा।